हेलो स्टूडेंट, अब हम करेंगे हमारा 16th क्वेश्चन। देखो इसके अंदर आपको क्या है, फाइंड वैल्यूज। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो आप कहोगे कि मैम आपने सारे क्वेश्चन में ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट कर दिया और इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2π/3। तो बच्चों ये नहीं हो सकता, क्यों? हमेशा जब ये साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, ये जब से इससे ये इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब हमारा ये जो साइन जो ये एक्स है ये साइन इनवर्स की रेंज में हो। इट मीन्स यानी कि -π/2 क्लोज इंटरवल +π/2। अगर ये हमारा जो एक्स है, अगर इसका जो एंगल है, अगर ये हमारे रेंज के अंदर होता है तभी हम इसको ऐसे कट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अभी तक हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए थे उन सब में ये रेंज के अंदर आ रहा था, तो हम इसलिए इसको कट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे ये क्या आता है, 2π/3। हमारा 2π/3 इज इक्वल टू कितना होता है, हमारा करके देख लो 2 × 180/3 यानी कि 120। तो ये 120 और हमारी रेंज कहां से कहां तक है, -90 से 90 के बीच में है, लेकिन ये हमारा क्या आ रहा है, 120 आ रहा है। तो इसीलिए हम इसको ऐसे करके कट नहीं कर सकते। तो इसको रेंज में लाने के लिए हमने इसको क्या लिख दिया, sin π - π/3। 2π/3 को कैसे लिख सकते हैं हम, sin π - π/3 लिख दिया, क्योंकि हम जानते हैं sin 180 - थीटा क्या होता है, sin θ ही होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, sin π/3 लिख दिया। अब ये देखो 60 आ चुका है, π/3 यानी 60, और ये अब हमारा रेंज के अंदर आ गया, तो इसीलिए इसको ऐसे करके कैंसिल आउट कर देंगे। π/3 बिलोंग्स यानी कि इस रेंज में आता है, तो हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारा साइन इनवर्स साइन कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा क्या आंसर आ गया, π/3। इसकी वैल्यू साइन इनवर्स साइन 2π/3 की वैल्यू क्या आ गई, हमारी π/3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें टेन इनवर्स टेन 3π/4। देखो इसके अंदर भी हम चेक करेंगे, अगर हम इसको चेक करते हैं 3 × 180/4 तो ये कितना आता है हमारा, ये आता है हमारा 135। और जब हमारी टेन इनवर्स की जो रेंज होती है वो हमारी क्या आती है, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। ओपन इंटरवल होती है, तो ये फिर से हमारा रेंज से बाहर चला गया, तो इसलिए इसको रेंज में लाने के लिए फिर से हमने क्या करा, इसको टेन को टेन पाई माइनस में π/4 कर दिया। जहां पर भी रेंज से बाहर चला जाता है हम उसको π - π/4 या 2π- मतलब कि हम हमेशा या तो पाई माइनस करेंगे, पाई प्लस माई माइनस करेंगे या 2π- देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर हमने π - π/4 कर दिया, तो ये हमारा टेन इनवर्स से टेन कैंसिल आउट हो गया। तो ये टेन 180 - थीटा हमारा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन किस में होता है, माइनस में होता है। तो इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा टेन माइनस का π/4। देखो इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं टेन इनवर्स माइनस का टेन π/4 लिख सकते हैं, लेकिन हम ये जो हमारा ऑड फंक्शन होता है हमारा, तो यहाँ पर हम इसको अंदर भी ले जा सकते हैं टेन, क्योंकि tan माइनस थीटा क्या होता है, -tan θ। तो ये माइनस का आ जाएगा, तो यहाँ पर इसलिए tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, -π/4। जो -π/4 है ये हमारा किसके अंदर आता है, रेंज के अंदर, यानी -π/2 से π/2 के बीच में आता है। एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ बच्चों, देखो ये 3π/4 है, 3π/4 यानी कि ये 135 है, जो हमारी रेंज से बाहर है। टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है हमारी, -π/2 से π/2 होती है, तो ये रेंज से बाहर है, इसलिए हमने इसको पाई में से माइनस कर दिया। अब टेन 180 - थीटा क्या होता है, -tan θ होता है, ये -tan π/4 होता है। ये माइनस को हम अंदर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि टेन -θ क्या होता है, -tan θ होता है। अब ये माइनस का π/4 आ गया, ये माइनस का π/4 हमारा रेंज के अंदर आ जाता है, इसीलिए ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, -π/4। 18th क्वेश्चन है हमारा, देखो हमें दे रखा है 10 sin inverse 3/5 + cot inverse 3/2। तो देखो इसके अंदर ना तो अगर यहाँ पे sin inverse cos inverse होता तो ये हमारी आइडेंटिटी तब भी नहीं बनती, क्योंकि यहाँ पे 3/2 है, यहाँ पे 3/5 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम दोनों को 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो 10 में कन्वर्ट करने के लिए देखो सबसे पहले मैंने इधर वाले को देखो cot inverse 3/2 को t मान लिया, अपनी मर्जी से a b t कुछ भी मान सकते हो आप। तो 3/2 इज इक्वल टू ये जब इधर जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, cot t हो जाएगा। तो हमारा tan t कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3 आ जाएगा। और अगर हम सिंपल t की वैल्यू निकालना चाहें तो ये क्या आ गया, tan inverse 2/3 आ गया।
नेक्स्ट हमारा साइन इनवर्स 3/5 है, इसको मैंने पी मान लिया, तो ये जब इधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा। अब आप इसको ट्राइंगल की हेल्प से भी कर सकते हो और वैसे भी, अगर ट्राइंगल की हेल्प से थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी 3/5 होता है। पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके हम ये बीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पे होता है बच्चों, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये पी एंगल है हमारा, ठीक है, ये पी एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज हो गया, ये हमारी 4 निकल गई, तो इससे हम टेन पी की वैल्यू निकालेंगे। तो टेन पी कितना आ गया मेरा, 3/4 आ गया, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, टेन इनवर्स 3/4। अब ये टी की और पी की वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट कर देंगे, तो साइन इनवर्स 3/5 किसके इक्वल आ गया हमारा, ये पी के माना था, और पी कितना आ गया हमारा, टेन इनवर्स में 3/4 आ चुका है। और कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉट इनवर्स 3/2 को हमने टी माना था, और टी किसके इक्वल आ गया, टेन इनवर्स 2/3 के इक्वल आ गया। अब ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो क्या होता है, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y अपॉन में 1 माइनस में एक्स वाई। तो यहाँ पे टेन इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, 12 आ गया, 4 जा 4 2 जा 8, 4 3 जा 3 3 जा 9, ऐसे नीचे वाले का एलसीएम 4 3 जा 12 माइनस 6 अपॉन में 12 आ जाएगा। अब ये देखो टेन इनवर्स से टेन इनवर्स कट जाएगा। अब ये कहोगे कि आपने क्यों काट दिया, क्योंकि जो हमारी ये टेन की जो, इसमें टेन की जो रेंज होती है हमारी, ये जो होती है हमारा रियल नंबर आर होती है, और ये हमारा 17/6 आ रहा है जो कि एक रियल नंबर है, तो इसलिए हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया और 17/6 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉस इनवर्स कॉस 7/6। अब इसके अंदर फिर से चेक करेंगे बच्चों, देखो 7 × 180 अपॉन में 6 आ जाएगा, ये कितनी आ गई हमारी, 210 यानी 210 आ गई। और कॉस इनवर्स की जो, ये कॉस इनवर्स है, इसकी जो रेंज होती है हमारी क्लोज इंटरवल 0 से π, यानी 0 से 180 के बीच में होती है, तो इसीलिए हमने इसको रेंज में लाने के लिए, अब हम इसमें से पाई में से माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि जो हमारी ये लाइन है कॉस हमारा किसमें पॉजिटिव होता है, इस वाले में, तो हम इसमें क्या कर देंगे, अगर मैं इसको पाई में से माइनस भी करती हूं तो अभी ये हमारा माइनस में आ जाएगा। देखो अगर यहाँ पे पाई प्लस में पाई बाई 6 भी करते हैं तो अभी ये हमारा किसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, तो इस वजह से हमने इसको क्या करा, 2π में से माइनस कर दिया, तो 2π माइनस में 5π/6 कर दिया हमने। तो देखो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 6 × 12 माइनस में 5, तो कितना आ जाएगा हमारा, 7π/6, तो इसकी जगह हमने 2π माइनस 5π/6 कर दिया। अब ये हमारा क्या आ जाएगा, अगर आप ये सोचो कि मैम आपको इस तरीके से भी बताओ, तो ये इस तरीके से भी देख सकते हैं। देखो अगर मैंने यहाँ पे करा, जैसे ये मान लो कॉस पाई बाई 6 करा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का कॉस पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये वहां पर हमारा जो ये माइनस का पाई बाई 6 है, ये भी इसकी रेंज में बाहर है, इसकी रेंज से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव होते ही नहीं है 0 से π, तो ये रेंज के अंदर है, इस वजह से ये वाले प्रोसीजर से ना करके हमने कौन से इसे करा है, 2π माइनस में 5π/6 से करा है। अब यहाँ पे ये जो कॉस 2π माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, इसीलिए यहाँ पे कॉस 5/6 आ जाएगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है अब हमारी रेंज में आ गया। देखो 5 × 180 अपॉन में 6 हो जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 150, यानी कि 0 से 180 के बीच में आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 5π/6। अब हमें 20th क्वेश्चन दे रखा है, देखो साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस में 1/2, ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसको हमें सॉल्व करना है। इसके चार ऑप्शंस भी दे रखे हैं हमें, चार ऑप्शन में से कोई एक आंसर चूज करना है। देखो सबसे पहले मैंने साइन पाई बाई 3 को एज इट इज रख दिया, अब ये साइन इनवर्स माइनस थीटा, तो क्या होता है हमारा, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस और एक और माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, प्लस, तो साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा हमारा। अब ये साइन पाई बाई 3, अब देखो 1/2 फिर पीछे की तरह, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन इनवर्स 1/2 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 6 की होती है, तो यहाँ पे हमने साइन इनवर्स 1/2 की जगह क्या पुट कर दिया, पाई बाई 6 रख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो 6 आ जाएगा, 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो ये कितना आ गया, 3π, तो यहाँ पे साइन 3π/6 यानी कि 3 × 2 = 6 यानी साइन पाई बाई 2, जो हमारी आंसर क्या होता है, साइन 90 यानी कि 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, टेन इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3। तो देखो टेन इनवर्स √3 तो एज इट इज, अब यहाँ पे फिर से हमारा क्वेश्चन आ गया माइनस में, तो कॉट इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, पाई माइनस में कॉट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला है हमारा।
तो हमने इसकी जगह यहाँ पर क्या पुट कर दिया, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट थ्री। अब यह रूट थ्री है, किसकी वैल्यू होती है, टेन सिक्सटी की होती है, तो इसकी जगह मैं टेन इनवर्स रूट थ्री की जगह क्या पुट कर दूंगी, पाई बाई थ्री पुट कर दूंगी। बाहर माइनस का साइन है तो ये तो माइनस का, और ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का साइन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, अब ये रूट थ्री किसकी वैल्यू होती है, कॉट थर्टी की वैल्यू होती है, यानी कि इसकी जगह मैं क्या रख दूंगी, पाई बाय सिक्स रख दूंगी। तो यहाँ पर देखो पाई बाय थ्री, माइनस में पाई और प्लस में पाई बाय सिक्स, एलसीएम लेंगे सिक्स आ जाएगा, थ्री टू जा सिक्स, वन सिक्स जा सिक्स है, यहाँ सिक्स बन जा, तो ये टू प्लस थ्री माइनस में सिक्स, तो माइनस का थ्री पाई अपॉन टू आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का पाई बाई टू। ओके बच्चों।